कोरोना काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तभी तो लॉकडाउन के दौरान भी हत्याओं का दौर नालंदा जिले में जारी है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन अपराधियों के ऊपर इसका कोई भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के अजनौरा गांव की है, जहां देर रात मुर्गी फार्म व्यवसायी की निर्मम हत्या कर उसके शव को पास के ही पोखर में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार देर रात गांव के कुछ लोग चोरी करने के नियत से मुर्गी फार्म में घुस गए थे। चोरी का विरोध करने पर मुर्गी फार्म व्यवसायी की हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार अजनौरा गांव में शराब चुलाने का भी काम बदस्तूर चलता है, जिसका विरोध मृतक संजू कुमार ने किया था। घटनास्थल से थोड़े ही दूर पर पुलिस ने खाली बक्से को भी बरामद किया है, जिसमें 15,000 रुपए थे। पुलिस जांच में जुट गई है। संजू कुमार जो अजनौरा के रहने वाले हैं, उनकी हत्या हुई है। हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं, विशेष अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे। सर, कहां पर बॉडी पाया गया था, कैसे क्या? सर, बॉडी उनका एक मुर्गी फार्म है, उसके बगल में पानी का छिलका है, उसी किनारे पाया गया। कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी। जानकारी मिली कि मेरे गांव का संजू कुमार नाम के जो बहुत सीधा साधा ग्रामीण थे और मुर्गी फार्म का काम करते थे, उनको चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए अपराधियों ने हत्या कर दिया। मेरे गांव में इतिहास है कि आज तक कभी भी, जब से गांव मेरा बसा, कभी किसी का हत्या नहीं हुआ था। और मेरा गाँव शांति प्रिय गाँव था, लेकिन यहाँ पर विगत जिस दिन से शराब बंदी हुआ है, उस दिन से मेरे गांव में बड़े पैमाने पर शराब चुराया जाता है और गांव के और बाहरी अपराधियों का आना जाना लगा हुआ रहता है। 11 बजे 12 बजे रात तक बाहरी अपराधी भी आते हैं। स्थानीय जो चौकीदार हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हत्या का वजह क्या लग रहा है? ये वजह हत्या का वजह तो हमको लगता है कि जो छोटा मोटा चोरी करने वाला है, वो चोरी करने के उद्देश्य आया, चूँकि मुर्गी फार्म से जो कैश का बक्सा था वो भी दूसरे जगह बिगा हुआ है।